संस्था अहिल्या एनजीओ इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करती है। आशा करता हूँ कि आज यहाँ से बहुत अच्छी लग रही हो, चलो अब वधू बन के जाएंगे। वो देख इंदु, राजेश खन्ना जैसा दिख रहा है ना आराधना वाला, चुप, बागों में बहार है। अरे इंदु, इंदु कहाँ तक पढ़ी हो? बीए। कुंडली है? जरा चल के तो दिखाओ जी। हमें देखना है चलने में कोई खोट तो नहीं है। चलने में नहीं, बोलने में खोट है। कब से है ये बीमारी? बचपन से, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं, चलो। आप हर बार खुद ही चलकर लड़कियां देखने आते हैं और खुद ही हर एक को मना करके चले जाते हैं, बात क्या है? ठीक है, मत बताइए। वैसे पहली मुलाकात में यूं बाहर आने के लिए शुक्रिया। आप शर्मिंदा कर रहे हैं, शुरू कीजिए ना प्लीज। कहां से शुरू करूं? नाम नवीन सरकार, भारत सरकार में सेक्शन ऑफिसर हूं। कलकत्ता से यहां तक आके बड़ी मुश्किल से सेंट्रल सर्विस एग्जाम पास किया ताकि एक सिक्योर्ड सरकारी नौकरी मिले, मिल गई। फैमिली कलकत्ता में रहती है, बस और कुछ? मैं तो खाना शुरू करने को कह रही थी। भूख नहीं है, पर भूख क्या होती है वो मुझे पता है। बड़ी मुश्किल से भूख और गरीबी से रिश्ता टूटा है, पर अब बस, अब मुझे पैसा चाहिए, कामयाबी चाहिए, बड़ी सी कोठी चाहिए। और शादी? शादी क्यों नहीं की अब तक?
करनी तो है पर कोई भी लड़की आपको पसंद नहीं आती? नहीं नहीं वो बात नहीं है, एक्चुअली 100 में से 99 लड़कियां मुझे मेरी समझ में नहीं आती। तो क्या मैं वो एक लड़की हूं? वैसे मेरा इलाज चल रहा है सच में। नहीं नहीं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम जिंदगी से क्या चाहती हो? मैं बस एक अच्छी बीवी बनना चाहती हूँ, सुंदर सा घर बसाना चाहती हूँ, और कोई खास सपना नहीं है। आप शुरू कीजिए ना प्लीज। बातें बाद में करेंगे। अच्छा प्लीज। आओ तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तुमने बॉबी देखी है? जी। बॉबी देखी है तुमने? मिलेंगे फिर कभी? जरूर। अच्छा नंबर दिया था, याद रहेगा ना? वो कैसे भूल सकती हूँ। ओके गुड नाइट। आधी सी रात तेरी आधा सा चांद मेरा, वक्त ने ये कितनी हंसी गजल सुनाई है। इंदु ओमना जी बड़े खुश हुए तुम्हारी कविता सुनके, वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए कविता लिख दो उनके बिजनेस फेडरेशन स्पीच के लिए। सच में इतनी अच्छी लगी मेरी कविता? अच्छा लिखना, क्योंकि वो ओमना जी है जिनकी वजह से मैं स्कूटर से ये एम्बेसडर तक पहुंचा हूं। आज हमारी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इमरजेंसी में पूरे देश भर में आग लगी हुई है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अरे आग तो क्या, धुआं तो क्या, एक मामूली सी चिंगारी तो दिखाओ। हां पर एक आग जरूर लगी जो हमारे प्रधानमंत्री जी के दिल में मशाल बनकर चल रही है, सपनों के भारत के निर्माण की आग। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, हमारी सरकार के 20 सूत्र कार्यक्रम में जी जान से जुट जाइए और हमारा पूरी शिद्दत से साथ दीजिए। आज के मौजूदा हालात पर मेरी चंद पंक्तियां हैं पेश करना चाहूंगा। ये देश नहीं झुकने वाला, अब ये देश नहीं रुकने वाला, यहां बच्चा हो या बूढ़ा हो आजादी से जीने वाला, वो दुर्गा है, वो
दुर्गा है जिसने दुश्मन को है घुटने पे ला डाला, देती है अमृत देशवासी को, खुद पीती है विष का प्याला। ये देश नहीं झुकने वाला, ये देश नहीं रुकने वाला, नहीं रुकने वाला। वाकई अच्छी कविता लिखी है उमनाथ जी ने। जवाब भी उमनाथ जी।